Hello everyone, welcome back to our channel Learn Yogi. Today I'm going to tell you a story about Marshal Putri. So let's start. एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय की यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। प्रेस द बेल आइकॉन। लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन।